फिल्म बंटी और बबली आपने देखी होगी, और यदि नहीं देखी तो उस फिल्म से मिलता जुलता एक मामला आपको दिखाते हैं। कैसे एक प्रेमी युगल शादी के बंधन में बंधा और उसके बाद घर वालों से अलग रहकर कैसे उन्होंने गुनाह का रास्ता अपना लिया। दरअसल अजमेर पुलिस ने एक ऐसे युगल को पकड़ा है जिनकी करतूत बंटी बबली से कम नहीं है। उनकी वारदातों से लोग परेशान थे, वहीं पुलिस के लिए भी ये बड़ी चुनौती बनी थी। अजमेर शहर की क्लॉक टावर थाना पुलिस की गिरफ्त में आए इन युवक युवती के चेहरे और उनकी मासूमियत पर नहीं जाए। दरअसल ये वो शातिर हैं जिन्होंने गुनाह की दुनिया में पैर भले ही अभी रखे हों, मगर इनकी शातिराना अंदाज ने न्यू दिल्ली, मुरादाबाद और अजमेर पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। चलिए इनके करतूतों को बताने से पहले आपको जरा इनसे आपका तारुफ करवा दें। थाने में मगरमच्छी आंसू बहा रहा ये युवक न्यू दिल्ली का रहने वाला नावेद है, वहीं पुरका नशीन ये खातून इसकी पत्नी अर्चना उर्फ जैनब है। न्यू दिल्ली में दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। नावेद न्यू दिल्ली में ऑटो चलाया करता था, वहीं अर्चना किसी निजी स्कूल में काम किया करती थी। दोनों की आंखें चार हुई और दोनों ने अपने घर वालों के विरोध के बावजूद शादी कर ली। घर वालों के विरोध के बाद दोनों का घर छूट गया और काम भी। इसके बाद दोनों की जुगलबंदी ऐसी बैठी कि दोनों ने गुनाह के रास्ते पर कदम रख लिए। थाना क्लोटर हल्का क्षेत्र में कैसरगंज के अंदर एक रिलायंस का फ्रेश का रिटेल शोरूम है, वहाँ पे ये पति पत्नी दोनों गए आज के 20 दिन पहले और इन्होंने शॉपिंग के बहाने उस दुकानदार को उलझाया और उसके पश्चात उन्होंने वहाँ से चार एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन से उनको चुरा लिया। वहाँ के जो फुटेज जो थे सीसीटीवी फुटेज थे वो हमने प्राप्त किए और उसको हमने सर्कुलेट किया तो पता चला कि मुरादाबाद में इस तरह के पति पत्नी हैं, वो रिटेल शोरूम पर घूम रहे हैं। तो हमारी इत्तला पे मुरादाबाद की पुलिस सिविलेंस ने उन दोनों जो पति पत्नी हैं इनको वहाँ पर अरेस्ट किया। थाने पर आंसू बहा रहे नावेद को और अर्चना को भी देखें और अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को भी देखें। ये यही दोनों हैं जिनकी तस्वीरें अजमेर के केसरगंज स्थित रिलायंस फ्रेश के मोबाइल सेंटर से महंगे मोबाइल चुराते हुए कैद हुई है। 20 दिन पहले की इन तस्वीरों ने पुलिस को इन शातिर युगल तक पहुंचाया। नावेद और अर्चना अजमेर में दो और मुरादाबाद और न्यू दिल्ली में ऐसी ही कई वारदातें कर चुके हैं। क्लॉक टावर थाना पुलिस की तस्दीक पर युगल को मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद क्लॉक टावर थाना पुलिस ने इन दोनों को प्रोडक्शन वारंट के तहत गिरफ्तार किया है। हाँ, मुरादाबाद में सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज है। उनकी इत्तला पर हमने इनको जरिए प्रोडक्शन वारंट हमने इनको गिरफ्तार किया और इनसे पूछताछ के बाद में पता चला कि आज के 6 महीने पहले नावेद नाम के युवक ने अर्चना नाम की युवती से शादी की और उसको बाद जो है दोनों पति पत्नी साथ रहने लगे और साथ रहने के दौरान उन्होंने नई दिल्ली, मुरादाबाद और अजमेर कई जगह पर इस तरह की वारदात उन्होंने की है। चूँकि पति पत्नी साथ होते हैं तो कोई इन पर शक आसानी से नहीं करता है। अभी हमने इनको अपने मुकदमे में गिरफ्तार किया है, उनसे बरामदगी के प्रयास जारी हैं। चार मोबाइल हमारी वारदात में लिप्त हैं।
गुनहगार कितना भी शातिर हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है। अजमेर में दरगाह जियारत के लिए आए नावेद और अर्चना ने जिस तरह से वारदात की उससे तो वो बच निकल गए, मगर वे ये भूल गए कि उन्हें वारदात करते हुए कोई और भी देख रहा था। फर्स्ट इंडिया के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट।